दोस्तों, अपने प्यारे भारत की पहली वंदे मेट्रो आ चुकी है और इसका फर्स्ट लुक आप सभी ने देखा। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, यह है अपने प्यारे भारत का पहला वंदे मेट्रो। कम से कम 300 प्लस वंदे मेट्रो को भारत में बनाए जाने हैं। ऐसे में सभी का सवाल था कि वंदे मेट्रो को भारत के किन किन जगहों पर चलाया जाएगा, भारत का पहला वंदे मेट्रो कहां पर चलाया जाएगा, क्या वंदे मेट्रो हमारे राज्यों में भी देखने को मिलेगा, क्या वंदे मेट्रो हमारे शहर से होकर के गुजरेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का पहला वंदे मेट्रो कहां पर चलाया जाएगा, इसके अलावा वंदे मेट्रो को भारत के किस किस राज्य में चलाया जाएगा, इसकी ऑफिशियल डिटेल क्या है कि इस राज्य में वंदे मेट्रो चलाया जाएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, वंदे मेट्रो को आप वंदे भारत का एक मिनी वर्जन बोल सकते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत को बनाया जा रहा है उसी प्लेटफॉर्म पर वंदे मेट्रो को बनाया जा रहा है और वंदे बुलेट ट्रेन को भी उसी प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। क्योंकि वंदे मेट्रो वंदे भारत का ही रूप है, इसलिए इसका डिजाइन भी वंदे मेट्रो से मिलता है। अभी जिस वंदे मेट्रो का प्रोटोटाइप आया है उसमें टोटल 12 कोच हैं। आने वाले टाइम में 16 कोच वाले वंदे मेट्रो को भी बनाया जाएगा। मुंबई के लिए वंदे मेट्रो स्पेशल बन सकती है क्योंकि मुंबई के द्वारा स्पेशल वंदे मेट्रो की मांग की गई है और मुंबई में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वंदे मेट्रो चलने वाले हैं। आज के टाइम में मुंबई में जो भी लोकल ट्रेन चल रहा है उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा वंदे मेट्रो से। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन ये जल्द ही इतिहास बन जाएगी क्योंकि मुंबई रेलवे विकास निगम ने 238 वंदे भारत मेट्रो ट्रेनों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी कि सिर्फ मुंबई में 238 वंदे मेट्रो चलेंगे। मुंबई रेलवे विकास निगम के अधिकारी का कहना है कि मुंबई में स्थानीय स्तर पर 238 वंदे भारत मेट्रो जल्दी शुरू होने वाली है और इस वाले 238 वंदे भारत मेट्रो को रेक मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 और 3A के तहत खरीदा जा रहा है। और मुंबई में जो भी वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुंबई गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के तहत 10,947 करोड़ रुपए और 33,690 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इतना पैसा लगना लाजमी है क्योंकि एक दो वंदे मेट्रो की बात नहीं हो रही है, 200 प्लस वंदे मेट्रो को मुंबई में चलाया जाएगा। मुंबई में जो भी लोकल ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर के अंदर चलती है उन सबको रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर वंदे भारत मेट्रो यानी कि भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन की घोषणा इस बार के बजट में भी किया गया था। रेलवे के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वंदे भारत मेट्रो में अत्याधुनिक रेक होंगे, ये 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों को आपस में जोड़ेगा। वंदे मेट्रो दिसंबर में पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा और मुंबई वासियों को मिलेगा। यह मेट्रो ट्रेन एक ही रूट में 4-5 बार चलेगा। समान वंदे भारत ट्रेन में 16 कोच होते हैं लेकिन इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। इससे मजदूर वर्ग, छात्र, ये लोग कम से कम एक शहर से दूसरे शहर जा पाएंगे। तो ये तो हो गया मुंबई का स्पेशल वंदे मेट्रो। अब अगर बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भारत के किन किन राज्यों में वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा तो गाइस इसके लिए भी रूट तैयार कर लिए गए हैं। वंदे मेट्रो चलेगा तो भारत के हर एक राज्य में, लेकिन कुछ रूट ऐसे हैं जिनको वंदे मेट्रो सबसे पहले मिलेगा। आइए उन पर बात करते हैं। ईटी और टीओआई के रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मेट्रो के द्वारा चिन्हित किए गए जो रूट हैं उसमें पहले नंबर पर है तिरुपति चेन्नई। तिरुपति से चेन्नई के बीच में वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा। इसके बाद आगरा से मथुरा के बीच में भी वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में भी वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा। इसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर से बालासोर तक वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से कानपुर के बीच में भी वंदे मेट्रो को भी चलाया जाएगा। बेसिकली वंदे मेट्रो दो शहरों को आपस में जोड़ेगा जिसकी डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम होती है। वंदे मेट्रो को कम डिस्टेंस में चलाया जाएगा, बोले तो लोकल पर्सन के लिए। ये वंदे मेट्रो के ऑफिशियल रूट हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे लोग बहुत से रूट के बारे में बताएंगे और वंदे मेट्रो उन रूट पर भी चलेगा, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल रूट है वो यही है, सबसे पहले इन जगहों पर चलाया जाएगा। आने वाले टाइम में और भी वंदे मेट्रो के रूट को जारी किया जाएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी के लिए वंदे मेट्रो का जो रूट है वो यही है। 2025 में आप देखेंगे कि मुंबई में जितने भी लोकल ट्रेन है सबको रिप्लेस किया जा रहा है वंदे मेट्रो के जरिए। मुंबई की जो भी लोकल ट्रेन है उसमें भीड़ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे अपग्रेड करने की जरूरत है और वंदे मेट्रो को बनाया गया है ऐसे ही क्षेत्रों के लिए। जिन शहरों में ज्यादा भीड़ होती है उन शहरों को सबसे पहले वंदे मेट्रो दिया जाएगा ताकि भीड़ से राहत मिले, लोगों को आराम मिले। वंदे मेट्रो काफी यूजर फ्रेंडली और काफी एफिशिएंट मोड का ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है क्योंकि इसमें वुमेन के लिए डेडिकेटेड कोच होंगे। जो फैसिलिटी आपको एक्चुअल मेट्रो में देखने को मिलती है वो सारी फैसिलिटी आपको वंदे मेट्रो में देखने को मिलेगी और जैसे जैसे वंदे मेट्रो बनते जाएगा वैसे वैसे इसे और ज्यादा अपग्रेड किया जाएगा। क्योंकि वंदे मेट्रो भारत में ही बन रहा है तो हम अपने अकॉर्डिंग अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इसे अपग्रेड करते रहेंगे। आने वाले टाइम में अपने प्यारे भारत में वंदे मेट्रो की संख्या 400 से 500 के पार भी जा सकती है क्योंकि सिर्फ मुंबई के द्वारा 200 से ज्यादा वंदे मेट्रो की डिमांड की गई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि वंदे मेट्रो को भारत के 124 शहरों में चलाया जाएगा।
और इसका ट्रायल रन जुलाई में शुरू होगा नई गवर्नमेंट बनने के बाद। तो ये इसके कुछ लेटेस्ट अपडेट थे। बाकी वंदे मेट्रो से जुड़े कोई और बड़ा अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। एंड आई थिंक कि इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है कि भारत के इस रूट को मिला पहला वंदे मेट्रो, इसकी जानकारी आपको इलेक्शन के बाद ही मिलेगी। बाकी आप भारत के पहले वंदे मेट्रो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग भारत का पहला वंदे मेट्रो किस राज्य में किस रूट पर चलना चाहिए, कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।